मलेशिया पर तनाव खत्म करने की नई पहल, भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक, चीन के साथ हालात को लेकर करेंगे चर्चा। चीन के 52 मोबाइल ऐप पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर, लिस्ट सरकार को सौंपी गई, सरकार इन्हें कर सकती है ब्लॉक। 41 कोयला खदानों की कमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी शुरू, इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कोल सेक्टर को मिलेगी मजबूती। कोयला खनन की नीलामी को पीएम मोदी ने बताया बड़ा सुधार, बोले इससे पहले ये क्षेत्र घोटाले के लिए चर्चित था। चीन पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी, टेलीकॉम मंत्रालय का बीएसएनएल को निर्देश, चीनी कंपनियों को कम मौका दें। संचार मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी दी हिदायत, चीनी कंपनियों की भागीदारी वाले प्रोजेक्ट पर फिर करें विचार। 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी चाइनीज कंपनी के उपकरणों का नहीं होगा इस्तेमाल, पूरा टेंडर नए सिरे से जारी होगा। टेलीकॉम विभाग का फैसला, सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटरों को देंगे निर्देश, चाइनीज उपकरणों पर निर्भरता करें कम। मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट से भी चीनी कंपनी को बाहर करने की संभावना पर विचार, चीनी कंपनी ने भरा सबसे सस्ता टेंडर। लेह अस्पताल के पास जमा हुए लद्दाख के स्थानीय लोग, शहीदों के सम्मान में लगे भारत माता के जयकारे। लेह में शहीदों के लिए खास प्रार्थना, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। गलवान हिंसा के खिलाफ देश में चीन के खिलाफ जोरदार गुस्सा, सूरत में लोगों ने तोड़ दिया चीनी कंपनी का टीवी। चीन के खिलाफ जयपुर में करनी सेना का विरोध प्रदर्शन, बाजारों से चीन के सामान के बहिष्कार की धमकी। हांगकांग में भी चीन के खिलाफ गुस्सा, भारत और ताइवान के लिए समर्थन। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को देश का नमन, सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई। पटना की बेहटा में शहीद सुनील को दी गई आखिरी विदाई, हजारों की तादाद में जुटे लोग। सेना के सजे धजे ट्रक पर रखकर निकली अंतिम यात्रा, बड़ी तादाद में सेना के जवान भी रहे मौजूद। अंतिम यात्रा में उमड़ाया पूरा शहर, लोग अंतिम दर्शन करने के लिए दिखे बेताब। सोमवार को एलएसी पर गलवान घाटी के पास हुई झड़प में दी शहादत, लोगों ने लगाए शहीद अमर रहे के नारे। शहीद कर्नल संतोष बाबू को तेलंगाना की सूर्यापेट में दी गई आखिरी विदाई, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम। फूलों से सजे ट्रक पर रखा गया था शहीद संतोष बाबू का पार्थिव शरीर, सैकड़ों लोगों ने फूल चढ़ाए। सेना के जवानों ने भी दी संतोष बाबू को सलामी, लोगों की आंखें नम हुई। लोगों ने लगाए संतोष बाबू अमर रहे के नारे, संतोष बाबू के आखिरी दर्शन के लिए छतों पर मौजूद थे सूर्यापेट के लोग। लोगों ने घरों से बरसाए फूल और संतोष बाबू को दी सलामी, शव यात्रा के दौरान भावुक दिखे लोग। संगरूर में शहीद के परिवार के नहीं थम रहे आंसू, 22 साल के गुरविंदर सिंह ने सरहद की सुरक्षा में कुर्बान की जान। तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे गुरविंदर सिंह, 2 साल पहले सेना में हुए थे भर्ती, 8 महीने पहले ही हुई थी मंगनी, अगली छुट्टी पर थी शादी की तैयारी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से देश की सरहद की रक्षा करते हुए जवान मनदीप सिंह ने दी प्राणों की आहुति, पटियाला में शहीद के घर पर मातम। मनदीप सिंह के पति ने बताया 10 दिन पहले विवाद के बारे में फोन पर हुई थी बातचीत। मेरठ में शहीद विपुल रॉय के घर मातम, गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए दिया बलिदान। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के रहने वाले थे विपुल रॉय, लद्दाख में पोस्टिंग आने से पहले मेरठ छावनी में थी तैनाती। सेना की ओर से परिवार को पश्चिम बंगाल ले जाने का इंतजाम, 5 साल की बेटी तमन्ना बेहद उदास। गुरदासपुर के नायब सूबेदार सतनाम सिंह भी गलवान घाटी में शहीद, गांव में शोक की लहर। शहीद सतनाम सिंह के छोटे भाई भी हैं फौज में, गलवान घाटी के 20 शहीदों में 4 पंजाब के। समस्तीपुर में शहीद अमन सिंह के घर पर छाया मातम, लेकिन पिता ने बेटे की शहादत पर जताया गर्व। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले अंकुश ठाकुर एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में शहीद, गांव में छाया मातम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एलएसी की घटना से पसरा मातम, 26 साल के राजेश ओरंग गलवान घाटी में शहीद हुए। अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे राजेश ओरंग, परिवार में मां और 2 बहनें हैं। जमशेदपुर के कोशा गांव में छाया मातम, एलएसी की घटना में 21 साल का जवान गणेश शहीद।
लद्दाख में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए हवलदार के पलानी, पहले एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। बाद में शहीद पलानी के पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाया गया, लोगों ने नम आंखों से किए आखिरी दर्शन। चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा, उधम सिंह नगर में चीनी सामानों की जलाई गई होली। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, चीन से हर रिश्ता तोड़ने की मांग। अनंतनाग में भी चीन के करतूतों का विरोध, बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शन। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता बोले, पाकिस्तान और चीन भरोसे के लायक नहीं, भारत ऐसा पलटवार करे जिसका सबक चीन को याद रहे। बोले इनके मन में हमेशा ही तो भारत को नुकसान करने की इनकी सोच रहती है, एक चीन और पाकिस्तान इनके ऊपर। सीतामढ़ी में परशुराम सेना का चीन के खिलाफ प्रदर्शन, जिनपिंग होश में आओ के लगे नारे। वैशाली के चकफतेह निवासी जय कुमार सिंह के घर मातम, गलवान घाटी में दी थी शहादत। चीन के सामानों के खिलाफ गुस्सा, शकरपुर में लोगों ने चाइनीज सामान की जलाई होली। भारत चीन विवाद पर सामना ने लिखा, भारत की सीमा से लगे पाकिस्तान, नेपाल और चीन तीनों से संबंध चुनौतीपूर्ण, सरकार निभाए अपनी जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, चीन ने निहत्थे सैनिकों को मारने के दुस्साहस कैसे की, हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्था क्यों भेजा गया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकवादियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, अनंतनाग में पकड़ा गया आतंकवादी। पकड़ा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का, जिसका नाम इमरान नबी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह, एनसीआर के डीएम के साथ उन्होंने की बैठक, स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारी भी हैं शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा। बैठक में देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कुल आंकड़ा 3,66,000 के पार जा पहुंचा। 24 घंटे में सामने आए 12,800 से ज्यादा नए मरीज, 1,94,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। 24 घंटे में 334 लोगों की गई जान, देश भर में कोरोना से अब तक 12,237 लोगों की मौत। एनआईए में बढ़े कोरोना के मामले, 4 महिला कर्मचारी को कोरोना। एनआईए हेड ऑफिस में तैनात थी महिला कर्मचारी, मुख्यालय में अब तक 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। यूपी के कौशाम्बी में आईटीबीपी के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव, 9 जून को आए थे दिल्ली। त्रिपुरा में बीएसएफ जवानों में कोरोना का कहर, अब तक 163 जवान आए चपेट में। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर तैयारी तेज, शहनाई मैरिज हॉल को बदला गया आइसोलेशन सेंटर में। यूपी के बांदा में डीआईजी का सरकारी ड्राइवर निकला कोरोना पॉजिटिव, कर्मचारियों समेत डीआईजी क्वारंटीन। खराब खाने को लेकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का प्रदर्शन, वीडियो वायरल। रायबरेली में तमंचा लहराते हुए डांस, वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मुंबई में आज तेज बारिश, गर्मी से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार, कांग्रेस नेता परेश धनानी की याचिका थी। धनानी ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग को चुनौती दी, 4 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई। सुशांत राजपूत खुदकुशी केस में जांच जारी, आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन आई रिया चक्रवर्ती, दर्ज किया गया उनका बयान। सुशांत ने खुदकुशी से पहले रिया को किया था फोन, अब तक 12 लोगों से हो चुकी है पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर लगाई रोक, कोरोना महामारी को देखते हुए फैसला। 23 जून से शुरू होनी थी यात्रा, 20 दिन तक चलता है आयोजन। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर रथ यात्रा हुई तो भगवान जगन्नाथ हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। 2 जुलाई 2020 को अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास दिवस, देवशयनी एकादशी के मंगल मुहूर्त में होगा भूमि पूजन। 1 जुलाई को दिल्ली स्थित लोक कल्याण मार्ग में अपने आवास पर करेंगे मिट्टी पूजन, सपूजित मिट्टी को लेकर प्रधानमंत्री के खास सलाहकार नृपेंद्र मिश्रा जाएंगे अयोध्या।
देवरिया में लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव मिला, सीएचसी रुद्रपुर को किया गया सील। राजस्थान में 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षा आज से फिर शुरू, 136 परीक्षा केंद्रों में किए गए इंतजाम। अलीगढ़ में सड़क पर बेहोश मिली 12 साल की लड़की, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मध्य प्रदेश के उमरिया में गाय को विस्फोटक खिलाया, गाय का जबड़ा फटा, अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शहर में आदम का हिरण, अजनबी को देखने जुटी भीड़, वन विभाग ने वापस जंगल छोड़ा। नोएडा में एक महिला ने चलती बस में रेप करने का लगाया आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। आजमगढ़ में बैरक के भीतर मिली सिपाही की खून से लथपथ लाश, पुलिस ने जांच शुरू की। बाड़मेर में पीने के पानी को लेकर महिलाओं का हंगामा, जल बोर्ड के अफसरों ने किया इलाके का दौरा। ठाणे के झुग्गी इलाके में लगी थी आग, जानमाल के नुकसान की जांच जारी। इंदौर में 8 भारतीय विदेश से लौटे, इनमें 7 अमेरिका और 1 कजाकिस्तान से आया, सभी को होटल में किया गया क्वारंटीन। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहुंचने लगे सैलानी, अनलॉक के बाद वहां पर छाया हुआ था सन्नाटा। पूर्वी यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को राहत। बाराबंकी में भारी बारिश ने किया बेहाल, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, आसमानी आफत से तरबतर हुआ भोपाल। ओडिशा में 19 से 21 जून तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अमेरिका में बेकाबू है कोरोना, 22 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना वायरस से 46,000 से ज्यादा की मौत, अब तक 9,60,000 से ज्यादा मामले। रूस में भी बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 5,61,000 से ज्यादा नए मामले, 7,500 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। पेरिस में बेकाबू हुआ स्वास्थ्यकर्मियों का विरोध प्रदर्शन, ज्यादा सैलरी और सुविधा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे डॉक्टर और नर्स। और कोरोना वायरस के इलाज में डेक्सामेथासोन बहुत कारगर, इंग्लैंड की सरकार ने डॉक्टरों को दी इस्तेमाल की इजाजत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।